sector and seeing the way things are developing, you know, in the U.S. and in Europe, both from a fast fashion perspective, as well as the kind of rise of a certain beauty in this process that I don't see very often. And so I thought, what better way to, and ideally we, our goal is to... And once we, today we launch it, are going to be, are you pitching it up with some brands or are you about that as well? Okay, so at first we will most local network, and what we, you know, eventually we would like to get into some higher end boutiques as well, but these are just, you know, basic pieces of fabric into more fitted pieces, both of which are becoming very popular in Europe and the US today. Look this side, sir. Look this side. आज बहुत सालों के बाद ये ऐसा हुआ है कि एक अमेरिकन कश्मीर आके उसने जो है हैंडीक्राफ्ट का ब्रांड लॉन्च किया और इस ब्रांड का जो नाम है दिस कादरी और इसको ये अमेरिका में प्रमोट करेगा, सोर्स अपना जो है इन्वेंट्री यहीं से करेगा। तो इनका जो विजन है, ये चाहते हैं कि ये जो नई जनरेशन है जिसको हम जनरेशन जी कहते हैं, उनके साथ कैसे पश्मीने को इंट्रोड्यूस करें। तो इनका लॉन्ग टर्म विजन है, ही वॉन्ट्स टू टेक इट टू द हाई एंड स्टोर्स इन अमेरिका। यूजुअली पास्ट में यहाँ पे जो है बहुत सारे फॉरनर्स होते थे, उनके कारखाने होते थे, लेकिन धीरे धीरे ये जो सिलसिला ख़त्म हो गया। तो आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इसकी फिर से शुरुआत हुई। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है और ये जो है ये इस सेक्टर को नई ऊंचाइयों पे ले सकते हैं। तो हम चाहते हैं जेक जैसे लोग और यहाँ आए, और ज़्यादा लेबल्स और ज़्यादा ब्रांड्स यहाँ पे जो है अपना माल सोर्स करें, तो उसी से जो है क्राफ्ट एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। और ये बिलीव करते हैं फेयर प्रैक्टिसेस पे, अपने आर्टिसंस को का ख्याल रखते हैं। तो ये एक नया जो है इन्फ्लक्स ऑफ आइडियाज़ है, नया इनिशिएटिव है, फ्रेश ब्लड इन टू द जो सेक्टर है। तो इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप सर। एंड दिस इज विद पश्मीना ओनली, मतलब अभी? हाँ जी जी, ये पहले पश्मीना पे ही फोकस कर रहे हैं, अभी इन्होंने किसी और क्राफ्ट पे नहीं ये नहीं किया है। तो इनका जो वेबसाइट है जिसको आप दिस इज कादरी के नाम से सर्च भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इनके स्कार्व्स और स्टूल्स हैं। और इसके बाद जो इनका फ्यूचर प्रोग्राम है वो है अपैरल्स का, जिसमें पोंचूज होंगे, कैप्स होंगे, क्योंकि शॉल यूजुअली जो है थोड़ा मोनोटोनस या स्टूल मोनोटोनस, तो इसको आपको री इन्वेंट करने की ज़रूरत है। तो वो री इन्वेंट होगा जब आप अपैरल्स में लेंगे। तो इनका जो है इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोडक्ट रेंज लॉन्च होगा वो अपैरल्स का होगा, पश्मीने का। थैंक यू सो मच।